सत्या जी स्वागत करते हैं साढ़े सार दर्शकों का गूंजा सिख विरसे दी खास पेशकश के दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां चोणां सीगियां जिस दे विच अकाली दल नूं बहुमत मिली है ते 27 सीटां ते अकाली दल ने जित प्राप्त करके मुड़ अकाली दल नूं सेवा दा मौका मिलिया। इस दियां तस्वीरां वी तुहाडे नाल सांझियां करांगे। सो शुरुआत करदे हां खास पेशकश की जिसका नाम गूंजा सिख विरसे दियां। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां चोणां होईयां जिस दे विच अकाली दल नूं मुड़ सेवा दा मौका मिलिया। जी हाँ, 46 सीटां दे विचों 27 सीटां अकाली दल दी झोली दे विच पाईआं गईआं ते दिल्ली दी संगत ने मुड़ अकाली दल नूं सेवा दा मौका दित्ता। दिल्ली कमेटी दीआं चोणां दे नतीजे आए तां श्रोमणी अकाली दल नूं जशन मनाउण दा मौका मिल गया। 46 सीटां विचों अकाली दल ने बहुमत हासिल करते हुए 27 सीटां ते जित हासिल की अते तीजी वार दिल्ली दे गुरु घरां दी सेवा दा मौका हासिल कीता। जिस तो बाद दिल्ली तो लैके चंडीगढ़ तक खुशियां मनाईया जा रही ने, किते ढोल ते नच के ता किते मिठाई वंड के इस जित दा जशन मनाया जा रहा। दिल्ली विच जेतू उम्मीदवारां दे परिवारक मैंबरां ते हिमायतियां विच खुशी दा माहौल वेखदे ही बन रहा सी। सब तो घट उम्र दे जेतू उम्मीदवार रमनजोत सिंह मीता हो जां कोई होर, हर कोई उन्हां नूं वोटां पाउण वाली जनता नूं सेवा दा इह मौका देण लई धन्नवाद कर रहे सन। संगतां दा भरपूर प्यार वार्ड नंबर 31 तों मिलिया। 557 वोटां नाल दास अज दिल्ली दा सब तो यंगेस्ट मैंबर बनिया आ। गुरु महाराज कृपा करन, तरस करके उन्होंने रहमत करके सेवा बख्शी आ। उन्होंने दिखाए रस्तियां ते चलते हुए संगत की सेवा करांगे। अपने वार्ड नंबर 44 की संगत का तय दिलों धन्यवाद है। मेरे साथी जो दिन रात मेरे नाल मेरिया बाहां बन के लगे और इलाके दे विच उन्होंने जिहड़ा प्रचार करके सेवा ली है। इलैक्शन टफ की गल करते जी तो इलैक्शन बहुत सौखा सीगा। मैं धन्यवादी हाँ वार्ड नंबर 46 की संगत का जिन्होंने एक बार फिर मैं अपना प्यार बख्श के अज दोबारा सेवा करने का मौका दिता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का, सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, सरदार हरमीत सिंह कालका जी का जिन्होंने मैं विश्वास मेरे ते विश्वास रख के मैं टिकट दी थी और अज मैं ये जी सीट हैगी वार्ड नंबर 46 की जित के श्रोमणी अकाली दल की झोली पाई है। बहुत खुशी की गल है और मैं बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मैं इन्ना मान बख्शिया, उन्होंने मैं वोटा पाई हैं। मैं अपने इलाके की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने एक वोट पाई है ना मैं सारी जिंदगी मैं उन्होंने देना नहीं दे सकती। ग्यारह सौ 13 वोटों तो जित हुई है, सारी संगत की जित। मैं संगतां का तय दिल तो धन्यवाद करदा, उन्हों का शुकराना करदा, उन्हों का तय उम्र मैं उन्हों का शुक्रगुजार होवांगा, उन्हों का कर्जदार होवांगा। जिवें पिछले 8 साल के संगतां की सेवा की, अगले 4 सालों के भी इस तरह ही संगतां की सेवा करते रहेंगे। 6 नंबर वार्ड के परिवार ने 4थी बार मैं अपना पूरा प्यार दिता वे और मैं बहुत भारी बहुमत तो जिताया। मैंने 75% वोटिंग मेरे हक पई है। 1281 वोटों तो मैं जीतिया, जो कि संगत ने बहुत भरपूर प्यार दिता और मैं भी जिन्ना संगत ने मैं प्यार दिता मैं 4 साल उस तो ज़्यादा संगत को प्यार दाँगा और संगत के जो भी काम ने जो भी कार्य ने सब सवार की कोशिश करा। अपनी तरफ संगत ने जो मैं भरपूर प्यार दिता उस तो ज़्यादा अपने परिवार को प्यार देव। जित का जश्न मना पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी दिल्ली पहुंचे और इस जित अणथक मेहनत करने वाली टीम का सम्मान किया। सुखबीर सिंह बादल ने इस जित नूं खालसा पंथ वालों पार्टी की पंथक हस्ती के हक में जोरदार फतवा करार दिता अते दावा किया कि पंथ ने भाजपा स्पॉन्सर ढींसा साहब अते कांग्रेस स्पॉन्सर सरना ग्रुप नूं नकार दिता है। सुखबीर सिंह बादल का कहना सी कि अकाली दल की पंथक वचनबद्धता से सवाल करने वालों नूं संगता ने सबक सिखाया है अते श्रोमणी अकाली दल के पंथक आदर्शों टीचों अते किरदार उते खालसा पंथ की मोहर लग गई है। उन्हें यह भी दावा किया कि दिल्ली तो चलिया तूफान पंजाब तक पहुंचेगा, उत्थे भी पंथ विरोधी ताकतों की हार होगी। नाल ही उन्हें ऐलान किया कि दिल्ली कमेटी के मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा को SGPC वालों दिल्ली कमेटी विच बतौर मैंबर नॉमीनेट किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ते बीजेपी
आम आदमी पार्टी सारिया ने मन बना लिया, पूरी फोर्स ला दी, पूरी पूरा जोर लाता कि एती दिल्ली विच श्रोमणी अकाली दल नू किसे ना किसे तरीके ना हराया जाए। मैं धन्यवादी हाँ सिख संगत का जिन्होंने उन्होंने कोशिश निकार की। जिहड़ी जागो पार्टी मनजीत सिंह जीके ने जागो पार्टी बनाई, जिहड़ी ढींसा साहब दे नाल जुड़ के भारतीय जनता पार्टी की पूरी सपोर्ट उन्होंने को उन्होंने लिती। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली यूनिट ने अपने सारे एमसी एमएलएयां दी मीटिंग करके ढींसा साहब ते अपने मनजीत जी के नाल पूरी उन्होंने सपोर्ट दिती। दिल्ली पुलिस की सपोर्ट आई, 46 सीटां लड़ियां, उन्होंने कली दो जित प्राप्त हुई, कली 46 दो। दूजे पासे परमजीत सिंह सरना जिहड़ा कांग्रेस दे पार्टी दी पूरी सपोर्ट उन्होंने नाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो एडवाइज जो मुख्यमंत्री पंजाब दे उन्होंने रिलीजियस धार्मिक सलाहकार भी है। तुसी देखो इस इलेक्शन विच पंजाब पुलिस दे डीएसपी इत्थे आउण, पंजाब पुलिस दीआं टोलियां आ के बूथां ते आउण ते वर्करां नूं साडे वर्करां नूं धमकाउण, किसे होर सूबे दी पुलिस दिल्ली च आए, देखो कै जिहा जोर उन्होंने लाया होगा। कई बूथा का असी आ भी देखिया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस ते बीजेपी के जिहड़े लीडर है लोकल इक्को ही बूथ ते साडे खिलाफ खड़े होए, पर फिर भी मैं बहुत वधाई देना समुची वर्कर नूं, साडी समुची जथेबंदी नूं, साडे समुचे सारे अपने मैंबर्स नूं जिन्होंने बड़ी बहादुरी नाल लड़ाई लड़ी। आ जिहड़े पंथ विरोधियां शक्तियां की कोशिश सी कि असीं गुरु घर दे उत्ते पंथ विरोधी शक्तियां दा कब्जा कराइए, पर सिख कौम परमात्मा की मेहर सदा रही है पंथ के सिर ते। श्रोमणी अकाली दल पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है, तो मैं सिर झुकाउणा है दिल्ली के बहादुर सूरमियां की, अपनी सिख संगत की जिन्हां ने एक क्लेयर वर्डिक दे के 46 सीटां विचों 27 सीटां सानू जिताईआं। अच्छा एक मैं अनाउंस करना चाहना, सर मनजिंदर सिंह सरसा जिन्हां नूं इन्हां ने धक्के नाल हराया, पर श्रोमणी अकाली दल असीं एजीपीसी तरफों इन्हां नूं नॉमिनेट करांगे। दिल्ली कमेटी कई विद्यक अदारियां अते हस्पतालां दी सेवा करदी है। 40 मैंबरां दी इस कमेटी दी चोण लई कुल 312 उम्मीदवार चोण मैदान विच सन, जिन्हां विचों 180 उम्मीदवार सियासी दलां दे अते 132 आजाद उम्मीदवार सन। हरप्रीत बंदेशा दे नाल जसमीत सिंह, पीटीसी न्यूज़ दिल्ली। सो तुसीं वेख्या किस तरह संगत वल्लों अकाली दल नूं सेवा दा मौका मुड़ दित्ता गया। गुंजा सिख विरसे दीआं साडी खास पेशकश इसे तरह जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक दे लई। ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की इस चोणों के अकाली दल ने जित प्राप्त की, सुखबीर सिंह बादल ने अपनी टीम को बधाई दी। तो ही सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंथ ने भाजपा स्पोंसर्ड ढींसा साहब तो कांग्रेस स्पोंसर्ड सरना ग्रुप को नकारिया। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की इस चोणों के तीसरी बार अकाली दल है उस सेवा मिली है। सुखबीर सिंह बादल ने खास गलबात की साडे सहयोगी हरप्रीत सिंह बंदेशा ने। मेरे नाल सुखबीर सिंह बादल ने, उन्होंने गल करते हैं। डीएससी एमसी दी चोणां अज हो गई, बादल साहब मुबारक है, तुहाडी पार्टी तीसरी बारी जित के आई है। मैं बधाई देना चाहना सिख संगत नूं कि उन्होंने फिर तो विश्वास रखे। एकती बहुत वड्डी जंग सी, तीन मेन पार्टियां नैशनल पार्टियां साढ़े खिलाफ लगियां सी, पर मैं बधाई देना सिख संगत नूं, सारे नूं नकारिया। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਤੀ ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੇ ਫਰੰਟ 46 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ
तो साढ़े उत्थे कागज रिजैक्ट करने साड़ियाँ वोटा 30% 30% वोटा एक काउंटिंग एक कैंडिडेट की रिजैक्ट हो जाते फिर भी असी जितीए साड़िया 8 सीटा ने हराती 30% रिजैक्ट करा के वोटा क्योंकि सरकार उन्होंने सी होम मिनिस्ट्री उन्होंने है पंजाब दी आने वाली उन्हें कांग्रेस लगी पंजाब पुलिस के डी एस पी फोर्स लेके बंदे लैके इतने साढ़े जोड़े घर जो सा बूथ से उत्थे बंदे डराते देखो पंजाब पुलिस भेजी गई दिल्लियों अपने पंजाब तो सरना वास्ते पर फिर भी मैं बधाई देना लड़ाई लड़ी साढ़े वर्कर ने बहादुर सूरमिया ने तो सारिया वड्डिया ताकतों को हरा के पंथ अगे आया 2022 की पंजाब की जी चोण होगी उसका असर वो दिल्ली की इस जित का असर दिखेगा आ शुरुआत है तूफान इतों शुरू हो गया हूँ सारिया दूजिया जो नैशनल पार्टियां ने पंथ नूं कमजोर करने की कोशिश की है खालसा पंथ नूं सबक लगता सुखबीर जी 2017 भी जो कुछ पंजाब दे जिस तरीके ने देखने को मिला अकाली दल हराने वास्ते उदों भी यही साजिश सी सारी पार्टी उदों भी साजिश सी ते पूरे पंजाब की जनता ने सबक सिखाया उवें सबक सिखाया जाऊगा पंजाब की बहुत बहुत धन्यवाद ये सन साडे नाल सुखबीर सिंह बादल कैमरामैन राम दे नाल हरप्रीत सिंह पीटीसी न्यूज़ दिल्ली गुंजा सेक्वरसे दियां साडी खास पेशकश इसे तरह जारी रहेगी फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है मनजिंदर सिंह सिरसा नूं इस चोणां दे विच हार प्राप्त हुई है पर उसके बावजूद एस जी पी सी वल्लों उन्हां नूं नॉमीनेट किया गया इस मौके साढ़े सहयोगी हरप्रीत सिंह बंदेशा ने मनजिंदर सिंह सिरसा दे नाल खास गलबात की मनजिंदर सिंह सिरसा मेरे नाल ने सिरसा साहब जित हार एक लाहर तौर पर जो चुनाव है तो जित हार लगी रहती है लेकिन संगत का जो प्यार है वह नज़र आ रहा मैं पहला तो धन्यवाद करदा पार्टी का दिल्ली के सारे मैंबर साहबाना का जिन्होंने दोबारा मैनू दिल्ली गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर के रूप में नॉमीनेट किया है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जागीर कौर जी का जिधरों वालों मैं नॉमीनेट होया और पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब का जिन्होंने मैं नॉमीनेट कराया देखो अज सू इस गल की खुशी आ कि असी एक सीट दे के 27 सीटा लैन च कामयाब होए हैं ये दिल्ली की संगत ने जो सू फतवा दिता है ये गुरु दे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तर सद के जो साड़ी झोली पियाए मैं नहीं समझता कि इस तो वड्डी कोई भी गल हो सकती है कि इन्निया विपरीत स्थितियां सारिया पार्टियां तुहाडे खिलाफ़ लग जाए पुलिस तुहाडे खिलाफ़ लग जाए प्रशासन तुहानू हराउण ते उतर आवे तिन्ने पार्टी इक्को टेबल ते बह जाण दसो बीजेपी दे टेबल बीजेपी बैठी है सरना साहब दे टेबल ते कांग्रेस दा प्रधान बैठा है आप दे लोग बैठे ने कदी तुसीं सुणिया कि तिन तिन पार्टियां इकट्ठियां हो जाण इक्को टीचा सीगा भी दिल्ली इहनूं जित्तण नहीं देणी पर असी भी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तरस किया हो उन्होंने चरणों के उत्ते साढ़े गुरु तेग बहादुर साहब का तरस और उन्होंने चरणों असं जुड़े थे तो असी गुरु तेग बहादुर साहब जी के उत्ते विश्वास किया हो भी गुरु साहब कृपा करे तो गुरु ने कृपा की तुम्हें यह लगता है कि सारा एक जोर जो कह रहे हो कि एक सीट दे के 27 लिया सारा जोर सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा हराने वास्ते स्वाभाविक होना ही क्योंकि मैं लीड कर रहा मुकदमे मेरे ते नॉमीनेशन मेरे खराब सिंबल खोण तक गए मेरे पहला होया हिस्टोरिकल देश के दे अंदर पहला होया कि डीलिमिटेशन एक सीट की होगी अज तो पहला कभी सुनिया कि कोई MLA की एक सीट की डीलिमिटेशन कर दे कोई MP की एक सीट डायरेक्टर जिहड़ा ऐसा घटिया आदमी आ इस बंदे के खिलाफ तो असी लीगली कार्रवाई करके इन्हू नौकरी तो डिसमिस करावे मेरी कल्ली सीट की डीलिमिटेशन की आ मेरे बूथ हटा दते मेरे रोल तो बाद आने तो बाद ड्राफ्ट रोल तो बाद अंदर 500 वोटा ऐड करती तो 550 वोटा मेरे डिलीट करती हैं ड्राफ्ट रोल तो बाद जिहड़ियां सड़कां है नहीं जिहड़े एड्रैस नहीं एग्जिस्ट करदियां 62B 45 ए जिहड़ियां सड़कां एग्जिस्ट नहीं करदियां जिहड़े महल्ले एग्जिस्ट नहीं करदे उन्हां च वोटां बणातियां इस हद तक गए ने मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली संगत तों की कहणगे नहीं मैं तो धनवाद ही करूँगा संगत का आप जी ने कृपा की और आप जी की कृपा सदके जित हुई है बहुत बहुत धन्यवाद ये सन साढ़े नाल मनजिंदर सिंह सिरसा कैमरामैन राम दे नाल हरप्रीत सिंह PDC न्यूज़ दिल्ली सो ये सन मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्हां नूं SGPC वल्लों नॉमीनेट किया गया उधर ही हरमीत सिंह कालका 786 वोटा दे नाल जित प्राप्त हुई है हरमीत सिंह कालका दे नाल खास गलबात की साडे सहयोगी हरप्रीत सिंह बंदेशा ने मेरे नाल हरमीत सिंह कालका जुड़ चुके हैं 796 वोटा तो जित हासिल करके आए हैं कालका साहब बहुत बहुत मुबारक फाइनली रिजल्ट हाथ च है बिल्कुल गुरु महाराज की कृपा हुई और 786 वोटा तो असी जीते जिस तरीके का लोगों का प्यार और तीजी बार इस इलाके की संगत ने मैनू जो माण दिता मैं उन्होंने धन्यवाद करदा बहुत ज़्यादा प्रैशर पाया गया हर पासों भावें बीजेपी की सरकार वालों भावें दिल्ली की सरकार वालों
ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@pdcnetwork.com। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।